हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिल गोयल आप सभी का समर क्लासेस की ओर से हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। समर क्लासेस आपके लिए लेके आ चुका है क्लास 9th की साइंस की सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है, इस 2020 में कोरोना के चलते सभी को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इसका कुछ फायदा आपको जरूर मिला है। गवर्नमेंट ने आपका सिलेबस 30% तक रिड्यूस कर दिया है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले लेक्चर में जो मैंने पहला चैप्टर लिया है वो है चैप्टर 2, क्योंकि जो चैप्टर 1 है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसी तरीके से और भी चैप्टर आपके सिलेबस से कम किए गए हैं। तो आज हम अपने पहले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। तो चलिए देखते हैं, इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक मैं एग्जांपल दे देना चाहूंगा जो आपकी डेली लाइफ में आपने जरूर देखा होगा। आपने घर पे मम्मी को बात करते हुए जरूर देखा होगा कि आज दूध प्योर नहीं आया है, उस दूध वाले ने पानी ज्यादा मिला दिया है या ऐसा कुछ। तो यही चीज प्योर इम्प्योरिटी आज हम केमिकल या केमिस्ट्री की भाषा में या साइंटिफिक भाषा में देखने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू। जो आप घर पे प्योर इम्प्योर डिस्कस करते हैं वो होता है मिलावट से रिलेटेड, लेकिन अब आज हम देखने वाले हैं कि साइंटिफिक टर्म में, केमिस्ट्री की टर्म में प्योर इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो जो इस चैप्टर की हमारी सबसे पहली डेफिनेशन आती है वो आती है हमारी प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस की तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है आपका, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर द सब्सटेंस That have same chemical nature of all its constituent particle throughout the substance. तो इस क्या होता है प्योर सब्सटेंस, डेफिनेशन समझिए। ये ऐसे सब्सटेंस हैं दैट हैव सेम केमिकल नेचर, जिनका केमिकल दैट हैव सेम केमिकल नेचर ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल, जिनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल का सेम और हर कॉन्स्टेंट पार्टिकल का केमिकल नेचर क्या होता है, सेम होता है थ्रू आउट द सब्सटेंस। अब हिंदी में समझिए क्या बोल रहा है कि जो आपका एक सब्सटेंस है वो बहुत सारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब जो आपके ओवरऑल थ्रू आउट द सब्सटेंस जितने भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं सबका केमिकल नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सारे के सारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल का नेचर सेम है तो आप क्या बोल सकते हैं, जो आपका सब्सटेंस है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो ये था हमारी डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस की इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री या साइंटिफिक टर्म्स। तो अब देखते हैं इससे हमें क्या पता लगा कि अगर केमिकल नेचर सेम है तो हमारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, मतलब एक ही टाइप के होने वाले हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो ये प्योर सब्सटेंस है दे आर मेड अप ऑफ सिंगल एंटिटी, मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल से आपकी ये प्योर सब्सटेंस बने होंगे। सेकेंड हम बोल सकते हैं दे कैन नॉट बी, जो आपकी प्योर सब्सटेंस है कैन नॉट बी broken into different entity by any physical or chemical मैथड। ये क्या बोल रहे हैं, जो सेकंड पार्ट है आपका ये बोलना चाह रहा है कि जो आपके प्योर सब्सटेंस है, अब पहली लाइन को पहले समझिए कि ये किससे होते हैं, एक टाइप के एंटिटी से बने हुए, सिंगल एंटिटी से बने हुए,
एक ही एंटिटी को आपने रिपीट किया होगा, बहुत सारे एंटिटी सेम तरीके एंटिटी को लाए होंगे, तो उसे क्या बना होगा आपका प्योर सब्सटेंस बना होगा। अब यही सेकंड लाइन भी कुछ इसी का रिवर्स है, बोल लीजिए उसी टाइप का बोल रही है कि जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं उन्हें आप क्या नहीं कर सकते, ब्रोक नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते इंटू डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट एंटिटीज में आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते, एंटिटीज आएगा डिफरेंट एंटिटीज, चाहे आप फिजिकल मेथड लगा लें या कोई केमिकल मेथड लगा लें, जो आपके प्योर सब्सटेंस है वो आपके डिफरेंट एंटिटी में क्या ब्रोक नहीं होने वाले, डिफरेंट एंटिटी में डिवाइड नहीं होने वाले। एक थर्ड पॉइंट और आता है, दे हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ये क्या बोल रहा है, जो आपका कंपोजिशन होने वाला है, ये कंपोजिशन को मान लीजिए आप डेंसिटी की बात कर रहे हैं या किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगी थ्रू आउट सब्सटेंस क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो ये थे आपके तीन पॉइंट्स, इन डेफिनेशन को ही मैंने डिवाइड करके तीन पॉइंट्स में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन क्या है, O2 क्या है, प्योर सब्सटेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं वो भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। घर में NaCl नमक जो आता है, घर वाला नमक नहीं लेकिन जो NaCl है वो प्योर सब्सटेंस है। घर की चीनी शुगर, जब तक वो मिलावटी नहीं है प्योर, जो शुगर शुगर जो होती है असली शुगर जिसकी हम बात करते हैं वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो इससे क्या पता लगा, ये आपके प्योर सब्सटेंस है। अब यहीं पे मैं बात करूं कि आपका क्या सैंड मिट्टी जो है, क्या सैंड प्योर सब्सटेंस है, सोचिए हम क्या बोल रहे हैं कि केमिकल कंपोजिशन सेम होनी चाहिए, केमिकल नेचर सेम होना चाहिए। तो आप एक पार्क की ही बात कर लीजिए, एक मिट्टी आप कहीं से उठा के लाए तो हो सकता है कहीं उसकी कोई ऊपर वाले लेयर की कंपोजिशन अलग हो, ऊपर मिनरल्स ज्यादा हो नीचे मिनरल्स कम हो, या नीचे मिनरल्स ज्यादा हो ऊपर मिनरल्स कम हो, तो इसकी क्या हो रही है, कंपोजिशन चेंज हो रही है, इक्वल कंपोजिशन नहीं है। तो इससे क्या पता लगा आपको कि जो आपका सैंड है वो क्या नहीं है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो ये था आपका प्योर सब्सटेंस। अब हम चलते हैं अपने इसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे, जो है आपका मिक्सचर। तो आपका टॉपिक है 2.1 मिक्सचर। तो मिक्सचर बेसिकली क्या है, जो प्योर नहीं है वो क्या है, एक मिक्सचर है। बेसिकली सोचिए प्योर क्या है, जिसमें एक ही टाइप के आपके क्या है, एक ही टाइप का केमिकल कंपोजिशन हो, या बोल सकते हैं एक ही टाइप के एंटिटी से जो बना हो, जो एक से ज्यादा से बना है वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर के लिए आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय वन और मोर, एक या एक से ज्यादा क्या होंगे इसमें, प्योर सब्सटेंस होंगे, प्योर सब्सटेंस। और क्या होगा, सच दैट सब्सटेंस रिटेन्स their individual chemical identity। मतलब एक से ज्यादा आपके प्योर सब्सटेंस तो होने वाले हैं, लेकिन जो आपके प्योर सब्सटेंस है वो अपनी केमिकल आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, मतलब अपनी केमिकल आइडेंटिटी बनाए रखेंगे मिक्सचर में भी। तो मिक्सचर का एग्जाम्पल सबसे पहले आ गया सैंड आ गया। अब आप बात करें कि आपने क्या किया, सॉल्ट और नमक और शुगर को मिला दिया, तो ये भी क्या होगा, मिक्सचर होगा। और बेसिक और बात करें आपके किसी भी चीज को, आपने दो चीज को उठाया जैसे आयरन नेल्स और मिट्टी को मिला दिया, तो वो भी एक मिक्सचर रहेगा। सैंड खुद भी एक मिक्सचर है, और जब आप उनको मिला दे तो भी वो क्या है, एक मिक्सचर है। तो चलो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर 2.1.1, वो आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर।
टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? अब मिक्सचर बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं। पहला है होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर। जो सेकंड होता है वो है आपका हेटरोजेनियस मिक्सचर। तो ये दो टाइप के आपके क्या है, मिक्सचर्स हैं। आप इनको समझते हैं। तो जो होमो का आपका मतलब होता है यहां पे होमोजीनियस में, ये जो होमे का मतलब है वो होता है सेम, या हेटरोजीनियस में जो हेटरो का मतलब होता है वो होता है डिफरेंट। तो यहां पे हम बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होने वाला है, आपका जो कंपोजिशन है, जो भी आप दो चीजों का मिलाएंगे वो कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगा, सेम रहने वाला है। जबकि हेटरोजीनियस में क्या होगा, वो डिफरेंट होने वाला है। तो टेंशन मत लीजिए, इसको अच्छे से समझेंगे, एक एक की डेफिनेशन लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन। तो क्या बोला मैंने, इसमें क्या होगा, इसमें सेम कंपोजिशन होने वाला है, ये मिक्सचर दैट हैज यूनिफॉर्म, क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। मतलब पूरे के पूरे मिक्सचर में जो जितने भी आपने मान लीजिए दो या तीन एलिमेंट डाले हैं, दो या तीन एंटिटी डाली है, तो अगर आप उसका ऊपर वाला पोर्शन उठाएं चाहे नीचे वाला पोर्शन उठाएं, तो आपका जितना कंपोजिशन ऊपर आने वाला है, जितना परसेंट एक एक एंटिटी का ऊपर आने वाला है, उतना ही नीचे आना चाहिए। मतलब हर एक का कंपोजिशन क्या होगा, सेम रहेगा, चाहे आप कहीं से भी क्या कर ले, मिक्सचर को एनालाइज कर ले। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जो आपका आता है वो आता है पानी में नमक मिला दीजिए, देखिए आ गया सॉल्ट इन H2 वाटर। तो जब आप पानी में नमक मिलाते हैं, जब आपने मिला दिया, ये नहीं बस डाल के छोड़ दिया नीचे बैठ गया, फिर बोलोगे नीचे तो ज्यादा नमक मिला ऊपर कम मिला, जब आपने उसको अच्छे से मिला दिया पूरा अच्छे से वो बन गया है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि ऊपर वाला पानी, जब आपने शुरू का ग्लास में पानी पिया तो ऊपर वाला पानी तो ज्यादा खारा था और नीचे वाला कम खारा था? ऐसा नहीं होता है। आपका पूरा का पूरा पानी की कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है। सिमिलरली अगर आप सॉल्ट को मिला, सॉरी शुगर को मिला दें, तो शुगर का कंपोजिशन भी पूरे के पूरे पानी में सेम ही होने वाला है। तो ये था आपका होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें क्या होगा, ओवरऑल आपके आपके पूरे के पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन दोनों तीनों या जितने भी उसके पार्ट है उसके सेम रहने वाला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हेटरोजीनियस मिक्सचर। तो अब हमारा जो दूसरा टाइप आता है मिक्सचर का वो क्या है, हेटरोजीनियस मिक्सचर। तो हेटेरो मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, डिफरेंट। तो इसके नाम से आपको क्या पता लग रहा है कि जो ये मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी, डिफरेंट होगी थ्रू आउट। जो आपका मिक्सचर होगा थ्रू आउट मिक्सचर में इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होने वाली, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। अगर आप थोड़ा ऊपर वाला पार्ट देखेंगे तो हो सकता है उसकी कंपोजिशन नीचे वाले पार्ट से क्या हो, डिफरेंट हो। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज अ मिक्सचर विच कंटेन्स फिजिकली डिफरेंट पार्ट्स। तो क्या है बेसिकली कि आप इसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, क्योंकि ये क्या है, मिक्सचर है। तो मिक्सचर में आपको पहले ही बता दिया, एक से ज्यादा क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं होता, मल्टीपल प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो जो इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो आपको क्या कहते हैं, फिजिकली डिफरेंट पार्ट्स में आपको दिखाई दे सकते हैं, मतलब आप हो सकता है कि आप अपनी नेकेड आईज से
आप उनको डिफरेंशिएट कर सकें कि ये वाला मॉलिक्यूल अलग है और ये वाला मॉलिक्यूल दूसरे डिफरेंट टाइप का है। तो इसका मतलब ये हो गया फिजिकली डिफरेंट पार्ट होते हैं एंड इट हैव नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का मिक्सचर। पहला हमने पढ़ा होमोजीनियस, सेकेंड हिट्रोजीनियस। तो हिट्रोजीनियस में बेसिकली क्या है, आपकी जो कंपोजिशन मैंने बोला था आपका सॉल्ट जब आपने पानी में मिलाया था तो उसकी ऑल ओवर कंसेंट्रेशन क्या थी, सेम थी, या फिर बोले ऑल ओवर उसका कंपोजिशन क्या था, सेम था। तो सिमिलरली इसी वे में अगर हम हेट्रोजीनियस को बात करें तो इसका होगा अपोजिट होगा बिल्कुल। अब आप इसमें एग्जांपल लें तो एग्जांपल किसका देते हैं हम यहां पे, सॉल्ट प्लस शुगर। अगर आपने चीनी और नमक को मिलाया है, आप अच्छे से उसे एक बाउल में मिक्स कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे अपने नेकेड आई से पहचान सकते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल शुगर का है और ये वाला मॉलिक्यूल सॉल्ट का है। तो इससे क्या हुआ, फिजिकली डिफरेंट पार्ट्स में है तो आपने उसको पहचान लिया कि डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये क्या हुआ, होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस हुआ, क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन होगी वो भी डिफरेंट होगी। हो सकता है जब आप उसको अच्छे से मिक्स करें तो नीचे आपको ज्यादा नमक मिले और ऊपर आपको कम मिले। सिमिलरली ऊपर आपको ज्यादा चीनी मिल सकती है, नीचे कम मिल सकती है। तो क्या होगा, कंपोजिशन में डिफरेंस आ गया। तो अब दूसरा एग्जाम्पल लें, तो मान लीजिए आपने आयरन के नेल्स लिए, कीले ली और उनको किसके साथ, सैंड के साथ मिक्स किया। तो क्या होगा, आयरन के नेल्स और सैंड को आप कितना ही मिक्स कर लें, आपको आयरन के नेल अलग ही डिस्टिंक्ट विजिबल होंगे, मिट्टी अलग आराम से विजिबल होगी। तो ये क्या हुआ, आपका यहाँ पे भी क्या होगा, कंपोजिशन डिफरेंट होगा। कई जगह पे आपको जहां पे आप टच करके पिक करेंगे तो हो सकता है केवल आपके हाथ में मिट्टी आए, और कई आप चाहें तो उसका केवल नेल, एक आयरन नेल आराम से निकाल सकते हैं। डिफरेंट आपको दिख रहा है, फिजिकल डिफरेंट पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, साथ ही क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी हमने यहाँ पे देख ली, जिसकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें आपकी ग्रुप आपको बोला गया कि क्लास को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास चार ग्रुप है, ए बी सी और डी। तो क्या था कि ए बी सी डी आपको चार ग्रुप दिए हैं, ये इसी टाइप ऑफ मिक्सचर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ था। ए के पास क्या था, ए के आपने दिया 50 ml वाटर दिया है और एक स्पून क्या दिया है, CuSO4 दिया है, कॉपर सल्फेट दिया है। तो इन दोनों को आपने मिक्स किया, सेकंड को क्या दिया, 50 ml वाटर ही दिया और यहां पे इस बार 2 स्पून आपने क्या दे दिया, CuSO4 कॉपर सल्फेट दे दिया। सेकंड को आपने बोला, सी और डी को आपने बोला कि आप कॉपर सल्फेट ले लो और साथ ही NaCl ले लो, और इसको भी आपने CuSO4 भी बोला कि कॉपर सल्फेट और NaCl ले लो, लेकिन इन दोनों की कंसेंट्रेशन जो आप इन दोनों का लेंगे, ये डिफरेंट अमाउंट CuSO4 लेगा और ये वाला जो डी ग्रुप लेगा वो C से अलग कंपोजिशन लेगा, C से अलग अमाउंट लेगा CuSO4 का। सिमिलरली NaCl का भी डिफरेंट अमाउंट लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अब बताओ क्या होगा, 50 ml में CuSO4 मिक्स किया, आप जब मिक्स करेंगे तो देखेंगे एक हल्का सा नीले कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, आप जब इनको मिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों, क्योंकि वो आराम से पूरा जो ये आपका CuSO4 है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और पूरा जो आपका सॉल्यूशन बनने वाला है वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। तो होमोजीनियस क्यों हुआ, क्योंकि उसकी जो आप CuSO4 के पार्टिकल्स को उसमें देख नहीं पाएंगे, पूरे के पूरे जो आपका वाटर है उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा। और बी वाले ऑप्शन में भी, बी जो ग्रुप है उसके पास भी क्या होने वाला है, सेम इसी तरह होमोजीनियस मिक्सचर बनने वाला है, लेकिन इसके और इसके कलर में क्या आने वाला है, डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, ज्यादा CuSO4 डाला, ज्यादा क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसका कलर ज्यादा ब्लू है, इसका कलर कम ब्लू है, इंटेंस है, ये लाइट है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्योंकि आपका CuSO4 का अमाउंट, कॉपर सल्फेट का अमाउंट डिफरेंट था। लेकिन अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या बोलता है कि कंपोजिशन सेम होना चाहिए All throughout the substance, throughout the mixture. तो यहाँ पे जब आप throughout the mixture A की बात करें, individual A की, तो composition same होगी। Similarly B की बात करें, तो पूरे के पूरे throughout the mixture में composition same होगी। लेकिन वो composition A और B की अलग अलग होगी। B में जो composition CuSO4 की होगी वो ज्यादा होगी A के comparison में। तो हमें यहाँ पे दो मिक्सचर को कंपेयर नहीं करना है, ये मैंने बस बताया है कि आपने यहाँ पे ज्यादा डाला तो क्या हुआ, हमें अमाउंट
दोनों का अमाउंट वेरिएबल कर दिया, मतलब इसका कभी ज्यादा डाला कभी इसका ज्यादा डाला, उससे हमारी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, लेकिन मिक्सचर तो फिर भी होमोजीनियस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल जो आपका एक मिक्सचर है उसमें आपको देखना है कि वो कंपोजिशन उसका ऑल ओवर द मिक्सचर सेम है या नहीं। तो इसमें ऑल ओवर द मिक्सचर आपको सेम मिला, इसलिए क्या हो गया होमोजीनियस, ये भी क्या हो गया होमोजीनियस। अब सीओ सपोज भी आपका सॉलिड और आपका NaCl भी सॉलिड, दोनों सॉलिड को आप मिक्स करोगे अच्छे से, कितना ही मिक्स कर लो उसके बाद भी आप डिफरेंट डिफरेंट बता सकते हैं कि ये वाला पार्टिकल सीओ सपोर का है, ये वाला पार्टिकल NaCl का है। तो ये क्या हुआ, जब आप डिस्टिंक कर सकते हैं आपको दोनों फिजिकली डिफरेंट पार्ट दिख रहे हैं, तो क्या हुआ ये आपका हेट्रोजीनियस हो गया। सिमिलरली अब आप अमाउंट चेंज कर दें, लेकिन सब्सटेंस तो आपका जो मिक्सचर बनने वाला है सब्सटेंस का अमाउंट कितना ही चेंज कर लें आपका मिक्सचर तो हेट्रोजीनियस ही बनेगा। तो ये था हमारे हेट्रोजीनियस, यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लास्ट टॉपिक हमारा है वो है अलॉय। तो जो आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है वो है अलॉय। तो अलॉय क्या है, आप सबने सुना होगा, स्टील यूज किया होगा, स्टील का स्केल जो होता है वो यूज किया होगा। तो ये क्या है, बेसिकली एक अलॉय है। अलॉय होता क्या है, ये भी एक टाइप का मिक्सचर है जिसमें मेटल या तो मल्टीपल मेटल्स का मिक्सचर होगा या फिर एक मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होगा। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन होती है इसकी, सबसे पहले क्या है, अलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इससे बना होता है विच इज मेड ऑफ टू और मोर मेटल्स। क्या होगा उसका, या तो दो एक या दो या दो से ज्यादा मेटल्स होंगे, या फिर और अ मेटल एंड नॉन मेटल। ये हो गया था अलॉय। अब आप बोलेंगे कि मेटल तो मेटल का मिक्सचर है, आयरन और कॉपर को मिला दो तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। आप जब डायरेक्टली मिलाएंगे तो वो क्या आपका अलॉय बन जाएगा, पहली बात तो ये वो नहीं बनेगा। अलॉय को बनाने का डिफरेंट केमिकल मेथड होता है। तो जो अलॉय बनते हैं जनरली आपका मॉल्टन स्टेट में जाके आयरन जो आपके मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं उनको मॉल्टन स्टेट में मिक्स करके बनाया जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है विच इज मेड अप ऑफ या दो से ज्यादा मेटल्स होंगे या फिर एक मेटल और नॉन मेटल होगा। साथ ही क्या लगता है आपको, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड into individuals। By physical method। कोई भी physical method लगा के आप metals को जो alloy है उनको individual metals में या non metals में divide नहीं कर सकते। तो ये हो गई आपकी proper definition किसकी, alloy की। तो इसके example आप देखते हैं, जो इसके example आते हैं वो है पहला example वही steel। किससे बना होता है स्टील आपका, आयरन और साथ में क्या होता है एक नॉन मेटल होता है, इसका नाम है कार्बन। तो ये कैसा हो गया, मेटल और एक नॉन मेटल मिला के बना है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रास। ब्रास किससे बना होता है, ब्रास बना होता है आपका जिंक और कॉपर से। किससे बना होता है, जिंक एंड कॉपर। जिंक और कॉपर दोनों ही क्या है, मेटल्स हैं, दोनों ही मेटल्स हैं। तो ये दो मेटल, ये दो या दो से ज्यादा मेटल वाले कैटेगरी में चला दिया, इसमें कोई नॉन मेटल नहीं है। और एक और आता है आपका ब्रोंज। ब्रोंज इससे बना होता है जिंक एंड टिन से। तो ये थे आपके एग्जांपल कुछ अलॉय के। और मैं पहले ही बता दूं अलॉय आपके सिलेबस में है, एक छोटा सा डब्बा बना हुआ है 2.2 के नीचे, तो वहां पे देख लीजिएगा अलॉय आपके सिलेबस में है, मैंने आपको कुछ बाहर से नहीं पढ़ाया है। आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।